नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 4 की हिंदी भाषा की पुस्तक कलरव के पाठ 2 प्यासी मैना के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि सरल भाषा अधिगम का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे सरल भाषा अधिगम से समझेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ प्यासी मैना एक ऐसी कहानी है जो प्यासे पक्षियों के जल की उपयोगिता को दर्शाती है तथा पक्षियों के जल की व्यवस्था पर आधारित है। आइए नवाचार की नवीनता समझते हैं। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ से सरल भाषा अधिगम का प्रयोग करते हुए इसे प्रतिदिन के वार्तालाप से जोड़ते हुए उसमें सरलता बनाए रखते हैं और भाषा के अधिगम को आसान बनाया जा सकता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें पाठ में निहित संकल्पना निर्माण व व्याख्या के प्रयोग द्वारा विशेषण व विराम चिन्हों आदि से सरल भाषा का खेल खेलते हुए सांकेतिक प्रश्नों से पाठ की जानकारी प्रदान की जाती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि के लिए 30 मिनट निर्धारित किए गए हैं। पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षक एक ऑडियो जिसमें तोता, कौवा और कबूतर की आवाज हो की व्यवस्था करते हैं। नवाचार के निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत ध्यान विधि द्वारा तथा सांकेतिक प्रश्नों की सहायता से पाठ की जानकारी प्रदान की जाती है। सबसे पहले शिक्षक ध्यान विधि से छात्रों को अलग अलग पक्षियों की आवाज सुनवाते हैं और चर्चा द्वारा उनकी पाठ में जिज्ञासा बढ़ाते हैं। जैसे सभी छात्र अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे और गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे उसे छोड़ेंगे। अब धीरे से आंखें खोलने को कहा जाता है। अब शिक्षक पूछते हैं कि आप सबने कैसी आवाजें सुनी। तब संभावित उत्तर में छात्र कहते हैं अच्छी। छात्र इस तरह के प्रश्नों का उत्तर विनम्रता पूर्वक देते हैं, जिससे कि उनमें विनम्र भाव पैदा होता है। फिर शिक्षक पूछते हैं आपने किस चीज की आवाज सुनी। तो संभावित उत्तर में बच्चे कहते हैं तोता, कबूतर, कौवा इत्यादि की। इस तरह से इन्हें आपने कहाँ देखा है। तो संभावित उत्तर में तोता, कबूतर को पेड़ और छत पर देखा है। अगर पेड़ नहीं होते तो पक्षी अपना घोंसला कहाँ बना पाते। तब संभावित उत्तर में छात्र कहते हैं कहीं नहीं। अब शिक्षक जानकारी देते हैं कि हमें पेड़ पौधों को नष्ट नहीं करना चाहिए। इनसे पेड़ पक्षियों से हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। साथ ही इस प्रकार से बताया जाता है कि आज हमने विभिन्न पेड़ पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब शिक्षक नवाचार की व्याख्या के अंतर्गत इसकी प्रक्रिया में चित्रों व सांकेतिक प्रश्नों की सहायता से छात्रों को संज्ञा व विशेषण और विराम चिन्हों की जानकारी देते हैं। इसके लिए शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि आपने कौन कौन से पक्षी अपनी छत पर देखे हैं। संभावित उत्तर में बच्चे कहते हैं तोता, कबूतर, कौवा, चिड़िया इत्यादि को हमने देखा है। अब शिक्षक सभी छात्रों को बताते हैं कि अलग अलग पक्षियों के जो नाम होते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। साथ ही कौन कौन से रंग होते हैं, शिक्षक ने पूछा। तो संभावित उत्तर में बच्चे कहते हैं लाल, हरा, सफेद इत्यादि। अब शिक्षक छात्रों को बताते हैं कि लाल, हरा, सफेद ऐसे शब्द रंग होते हैं जो पक्षियों की विशेषता बताते हैं। इस प्रकार संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इस प्रकार शिक्षक जो है अब नए तरह से बच्चों से प्रश्न करते हैं कि क्या आप सभी पक्षियों को देखना चाहते हैं। तब संभावित उत्तर में बच्चे हाँ कहते हैं और इस प्रकार से पक्षियों को देखने के लिए हमें क्या करना होगा। तब संभावित उत्तर में बच्चे कहते हैं कि हमें बाहर जाना होगा। अब शिक्षक बताते हैं कि वाक्य व प्रश्नवाचक हो तो प्रश्न वाक्य चिन्ह लगाते हैं और साधारण वाक्य हो तो अंत में विराम चिन्ह लगाते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों को विराम चिन्हों और प्रश्नवाचक चिन्हों की जानकारी देते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि छात्रों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां शिक्षक द्वारा व्याख्या के अंतर्गत दी जाती हैं।
इस प्रकार सरल भाषा अधिगम नवाचार गतिविधि से सीखने के अनेक परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसे सुनी हुई रचनाओं की विषय वस्तु, घटनाओं, पात्रों, शीर्षक इत्यादि से बातचीत करना, प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना तथा अपना तर्क और प्रतिक्रिया व्यक्त करना। साथ ही वर्णमाला अक्षर और समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचानना, उनको पढ़ना और लिखने के साथ साथ अभिव्यक्त करने की क्षमता भी छात्र विकसित करते हैं। सरल भाषा अधिगम से छात्रों में उत्सुकता का भाव पैदा होता है तथा वे विभिन्न प्रकार की कहानियों की बारीकियों को व्याकरण आदि के माध्यम से समझते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को समझने की भी वो समझ विकसित करते हैं। इस प्रकार इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का भी ध्यान रखा गया है और एनसीएल 2005 का भी ये ध्यान रखा गया है। साथ ही पाठ प्यासी मैना को शिक्षक एक निर्धारित माह में पढ़ाते हैं। इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता और पारस्परिक संबंधों का विकास होता है। यह नवाचार छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक का ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा यह नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।